क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ज़्यादा नमक खाने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ज़्यादा नमक खाने से आपकी किडनी फेल हो सकती है, या फिर ज़्यादा नमक खाने से आपका मोटापा बढ़ सकता है, या फिर ज़्यादा नमक खाने से आपकी इंटेलिजेंस कम हो सकती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जा सकती है, आपकी इंटेलिजेंस लो हो जाएगी। हम सबको हमेशा से बताया जाता है कि शुगर हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा शुगर खाना हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन कभी कोई नमक के बारे में बात नहीं करता है। जो लोग शुगर नहीं खाते और ज़्यादा नमक वाले जंक फूड खाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि उनकी सेहत बहुत अच्छी है। ज़्यादातर इंडियन फूड नमक से बने होते हैं और हम लोग डेली बहुत सारा नमक खाते हैं। कई सारे लोग सुबह सुबह चाय पीते पीते नमकीन खाते हैं, या जब घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो नमकीन आ ही जाती है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि ज़्यादा नमकीन खाना क्या उनकी सेहत के लिए बुरा नहीं हो सकता, जैसे शुगर खाना उनकी सेहत के लिए बुरा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या ज़्यादा नमक खाना हमारी सेहत के लिए बुरा होता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा नमक खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। तो आप शुरू करते हैं। तो जो नमक हम अपने घरों में खाते हैं वो सोडियम से बना होता है। सोडियम हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे कोई भी अच्छी चीज़ को ज़्यादा करने से वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है, वैसे ही सोडियम को भी ज़्यादा मात्रा में लेने से वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। सोडियम सेकेंड हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो जब भी हम ज़्यादा मात्रा में नमक खा लेते हैं तो हमारे ब्लड में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ताकि पानी सोडियम के कंसंट्रेशन को लो कर सके। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, तो जब हमारे खून में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे ब्लड वेसल्स की बाहरी परत फट जाएगी। जब वो बाहरी परत फट जाएगी, बाद में उस जगह पे फैट आके जमने लगेंगे। जब उन जगहों पे फैट जम जाएंगे तो वहां से ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम होने से हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। हमारी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा तो उसके कारण में हार्ट अटैक आ जाएगा। भारत में हर साल 40 करोड़ हार्ट अटैक के केस देखे जाते हैं, क्योंकि भारत में जो भी खाना होता है उसमें से ज्यादातर खाना नमक से ही बना होता है। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनमें से ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक इसीलिए आता है क्योंकि वो नमक से बना खाना ज्यादा खाते। दूसरी बात, अगर इन ब्लड वेसल्स में ज़्यादा फैट जम गया और हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाया तो हमारे ब्रेन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में ब्लड जाना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, हमारी सोचने समझने की पावर कम हो जाएगी, हमारी लॉजिकल पावर कम हो जाएगी, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाएगी अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो। तीसरे नंबर पे आता है, अगर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी किडनीज की ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, जिनके कारण किडनीज की जो टिश्यू होती हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। तो जब हमारी किडनी सेल्स में ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो ब्लड सेल्स मर जाएंगी, जिसके कारण हमारी किडनी डिफेक्ट हो सकती है और किडनी फेल भी हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे, चाहे वो ज़्यादा खेलना हो, ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा खाना हो, वो सभी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो जैसे शुगर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही नमक भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ज़्यादा नमक नहीं खाना है तो एक दिन में कम से कम कितना नमक खाना है। तो हमें एक दिन में कम से कम 3.5 ग्राम टू 6 ग्राम मैक्सिमम नमक खाना चाहिए। अगर आप बड़े होकर इस तरह भद्दे नहीं दिखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नमक वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देख के आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बहुत नमकीन खाते हैं, उनको भी बताइए कि ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है। तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।